हेलो स्टूडेंट मैं सब दिपिन कटियाल और मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट में से क्लास एलेवेंथ के जो टॉपिक डिलीट करें हैं सीबीएसई ने इस सेशन के लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए वो बताने वाला हूँ राइट तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर चैप्टर नंबर वन है द लिविंग वर्ल्ड इसके अंदर से टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक ये टॉपिक हट गया है टूस फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी म्यूजियम्स जियोलॉजिकल पार्क हरवरिया बॉटेनिकल गार्डन्स एंड की फॉर आइडेंटिफिकेसन ये हट गया है चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम में से एंगुस्परमे एंगस्पम्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास करैक्टर सिक्स फीचर्स एंड एग्जाम्पल ये हट चुके हैं चैप्टर नंबर फाइव जो यूनिट थर्ड में आता है उसके अंदर से मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन मॉफोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन प्लान्टूट स्टेम लीफ फ्रूट एंड सीड ये हट गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज फैबिका ये हट चुका है फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर सिक्स में से इसमें से एंटो एन्ट, एनाटोमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टीशूज एंड टीशू सिस्टम इन डायकोट्स एंड मोनोकोट्स सेकेंडरी ग्रोथ ये हट चुका है फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर सेवन यहाँ से मॉर्फोलॉजी एनाटोमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी ये हट गया है रेस्पिरेटरी नर्वस रिप्रोडक्टिव ये हट गया है ऑफ इंसेक्ट कॉकरोच अ ब्रीफ अकाउंट ओनली राइट फिर आता है चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इसमें से मूवमेंट ऑफ वाटर गैसेज एंड न्यूट्रेंट ये टॉपिक हटिया है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशन इंबिशन वाटर पोटेंशियल ओस्मोस प्लास्मोलिसिस लॉन्ग डिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एप्सॉपशन एपोप्लोस्ट सिम्प्लास्ट ट्रांसपीशन पुल रूट पोटेशन ट्रांसप्रिशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फोलियम ट्रांसपोर्ट मास फ्लो हाइपोथेसिस ये टॉपिक हट गया है फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व मिनरल एंड न्यूट्रीशन से यहाँ से असेंशियल मिनरल्स एंड माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रियट देर रोल एंड डेफिशंसी सिमटम्स ये हट गया है फिर हम आते हैं मिनरल टॉक्सिलिटी एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मैथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन साइकिल बायोजोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हट गया चैप्टर फिफ्टीन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से सीड जर्मिनेशन फेजिज ऑफ प्लांट ग्रोथ डिफरेंसीशन डी डिफरेंसीशन एंड डी डिफरेंसीशन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल सीड डोरमेंसी वेनलाइजेशन फोटोपेरिडिज्म ये हट गया है फिर चैप्टर नंबर सिक्सटीन पे आता है डाइजेशन एंड एबजॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ग्लैंड रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गेस्ट्रोनस्ट्रोनाइन हॉर्मोन पेरिस्टलाइसिस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन ऑफ शेप वेनेशन सिंपल एंड कंपाउंड ये हट गया है प्रोटीनस हाइब्रेड फैट्स कैलोरीफिक वैल्यू प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इजेशन न्यूट्रीशन डाइजेशन डिसऑर्डर पी एम इंजेशन कॉन्स्टिपेशन वोमिटिंग जॉइंटिज डायरिया ये हट गए हैं। चैप्टर नंबर ट्वेंटी लोकोमेशन मूवमेंट में से टाइप ऑफ मूवमेंट सीलरी फ्लैगरल मस्कुलर स्केलेट सिस्टम इट्स फंक्शन ज्वाइंट डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटर सिस्टम माइथिसनिया ग्रेफिसिस मस्कुलर ये सब टॉपिक हट चुके हैं चैप्टर नंबर क्लास एलेवंथ का जो चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन है वहाँ से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कॉर्डिनेशन रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी परसेप्शन सेंस ऑर्गन्स एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर ये टॉपिक्स क्या आ गए इसमें से डिलीट हो गए राइट right? तो ये क्लास एलेवंथ बायोलॉजी के लिए थे टॉपिक्स जो डिलीट हो चुके हैं थैंक यू क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ दिपिन कटियाल और मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास एलेवेंथ के जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी सिलेबस रिड्यूस करा है सी बी एस ई बोर्ड ने टू थाउजेंड ट्वेंटी और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सेशन के लिए उसके बारे में बताने वाला हूँ तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसके अंदर नेचर ऑफ मैटर ने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये उन्होंने रिड्यूस कर दिया है इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर ये सब हटा दिया है आइसोटोप्स हटा दिए हैं थॉमसन मॉडल हटा दिया है लिमिटेशन हटा दिए रदर फूड मॉडल हटा दिया है उसकी लिमिटेशन हटा दिए फिर इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रियोडिसिटी में सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन हटा दिया है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेबल हटा दिया है केमिकल कॉम्बिनेशन और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में से कुछ भी नहीं हटा है, फोर्थ चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है, फिफ्थ चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में से गैसेस हटिया है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हटिया है उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर हटिया है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिकुलर स्पीड हटिया है लिक्विड स्टेट वेपर विस्कोसिटी सरफेस टेंशन क्वालिटेटिव आइडिया ओनली दैट मीन्स उसके अंदर जो भी थियोरिटिकल पोर्शन है सिर्फ वही पढ़ना है नो मैथमेटिकल डेरेवेशन मैथमेटिकल डेरेवेशन नहीं वो सब हट गई है इसी तरीके से थर्मोडाइनमिक्स केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में से हीट कैपेसिटी हट गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हट गया है क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम हट गया है इक्विलिब्रियम चैप्टर में से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हट गया है हेंडसन इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन एप्लीकेशन और रिडॉक्स रिएक्शन ये सब हट गया है फिर हम नाइन्थ चैप्टर पर आते हैं हाइड्रोजन इसके अंदर प्रिपरेशन <coughs> प्रॉपर्टीज़ यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन परोक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड के प्रिपरेशन रिएक्शंस स्ट्रक्चर यूज़ ये हट गया है फिर आता है एस ब्लॉक एलिमेंट इसके अंदर से प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन सब कंपाउंड की सोडियम कार्बोनेट की सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सब की प्रॉपर्टीज़ हट गई है और प्रिपरेशन हट गई है फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट की इन सब की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हट चुके हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम ये भी हट गया है फिर एलेवे चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट इसके अंदर से बोरेक्स बोरिक एसिड बोरोन हाइड्राइड एलुमीनियम रिएक्शन एल्युमीनियम के एसिड के साथ एल्कलाई यूजेस ये सब हट चुके हैं कार्बन में से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हैं उनके यूजेज़ हट चुके हैं इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकन वो हट गए फ्यू यूज उनके यूजेज़ भी हट गए हैं सिलिकन टैट्राक्लोराइड जो सिलिकन का कंपाउंड है सिलिकॉन सिलिकेट जियोलाइड इन सब के यूज हट चुके हैं फिर आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके <coughs> अंदर सम बेसिक प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ये हट गया है हाइड्रोकार्बन में से फ्री रेडिकल और हेलोजिनेशन हट गया है कम्बशन पायलोसिस हट गया है एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से पूरा चैप्टर ही हट चुका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर फोर्टीन है वो सिलेबस से पूरा हट गया है फिर हम आते हैं प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल हट गए हैं सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पी इनमें से कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट हमें हट चुका है डिटर्मिनेशन ऑफ पी एच ऑफ सम सोल्यूशन ऑफ टेंट फ्राम फ्रूट जोसेज एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कंपेयरिंग द पी एच ऑफ द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक स्टडी द पी एच एन द डाइट्रेशन ऑफ दिस तो इन तीनों में से कोई सा भी एक हट चुका है ठीक है कोई सा भी एक आपको नहीं करना है केमिकल इक्विबेरियम में ये जो ए और बी है इनमें से एक एक्सपेरिमेंट हट गया है स्टडी द शिफ्ट इन इक्विबेम बिटवीन फेरिकाओसाइनेटाइन एंड स्टडी द शिफ्ट इनिक्यूरियम बिटवीन कोबाल्टज़ा एक्वाय एंड क्लोराइड आयन बाई चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ईदर ऑफ द आंस तो ये टॉपिक्स क्या है यहाँ से हट चुके हैं ठीक है क्लास तो ये एलेवेंथ का सिलेबस मैंने आपको बताया था थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ दिपिन कटियाल और मैं आपको आज इस वीडियो में इंग्लिश कोर सब्जेक्ट से क्लास एलेवेंथ के लिए जो टॉपिक बी रीड्स हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन में राइटिंग सेक्शन में क्लासीफाइड एंड एडवर्टीजमेंट डिलीट हो गया है लेटर टू द एडिटर डिलीट हो गया है जिसके अंदर हम सजेशन दें या ओपिनियन लेते हैं किसी भी इशू पर वो डिलीट हो गया है रियलिस्टिक कॉन्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल टू विच द स्टूडेंट मे रिस्पॉन्ड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम ये डिलीट हो गया है आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग डिलीट हो चुका है नैरेटिव ग्रामर डिलीट हो गया है मॉडल्स क्लॉसेस चेंज ऑफ वॉइस एरर करेक्शन एडिटिंग पैसेज ये सब डिलीट हो गया है फिर हम आते हैं लिटरेचर पर लिटरेचर में हॉर्नबिल बुक में से फादर टू सन द एडवेंचर ये डिलीट हो गया है स्नैपशॉट बुक में से द घाट ऑफ द ओनली वर्ड ये डिलीट हो गया है द टेल ऑफ मायलन सिटी ये डिलीट हो गया है तो ये आपके पास टॉपिक हैं क्लास एलेवेंथ इंग्लिश से जो मैंने आपको ये बताया है जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं फ्रॉम दिस फॉर दिस सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू क्लास हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ दिपिन कटियाल और मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास एलेवेंथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स सी बी एस सी ने टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए रिड्यूस करें डिलीट करें उनके बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से सेट्स तो सेट्स में से एक तो डिफरेंस ऑफ सेट्स डिलीट कर दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिलीट कर दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिलीट कर दिया है रिलेशन फंक्शन में से सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ़ फंक्शंस डिलीट कर दिया है टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से जनरल सोल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्री की जैसे साइन वाई इक्व टू साइन ए वाले क्वेश्चन होते हैं कॉस वाई इक्व टू कॉस ए टेन वाई इक्व टू टेन ए इन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया सिलेबस फिर हम आते हैं सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा इसके अंदर जो चैप्टर नंबर फोर है पी एम आई उसे पूरा डिलीट कर दिया डिलीट फुल चैप्टर फिर आते हैं चैप्टर नंबर फाइव पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वालिटी की क्वेश्चन इसमें एक तो पोलर फॉर्म रिड्यूस कर है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिड्यूस कर दिया है लीनियर इक्वालिटीज़ में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है जो चैप्टर नंबर हमारे पास सिक्स है फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर सेवन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके अंदर एन और एन का फॉर्मला डिलीट कर दिया है फिर बायनोमल थ्योरम आता है बाइनोमल थ्योरम पूरा डिलीट हो गया डिलीट फुल चैप्टर बायनोमल थ्योरम कंप्लीट डिलीट है एंड सीरीज में से जो स्पेशल सीरीज़ के फॉर्मूले होते हैं स्पेशल सम वाले समीशन के समीशन के स्क्वायर समीशन के क्यूब डिलीट कर दिया है सी बी एस ई ने फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट से इसके अंदर स्ट्रेट लाइन चैप्टर है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजन वाले क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं फैमिली ऑफ लाइन्स वाले क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं कॉनिक सेक्शन में से पॉइंट स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन जी ने डी जनरेटेड केसेज ऑफ अ कॉनिक सेक्शन ये हट गया है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री थ्री डायमेंशन में से कुछ भी नहीं हटा निल नोट एलिमिनेशन फ्रॉम थ्री डी थ्री डी कम्प्लीट आ रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी कम्प्लीट है पी एम आई मैथमेटिकल रीजनिंग जो है पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है फिर आते हैं स्टैटिक्स पे से स्टैटिक्स जो यूनिट है उसके अंदर एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरियमेंट्स हट गया है प्रोबेबिलिटी में से एक्जोमेटिक सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी घट गई है कनेक्शन विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस वो हट गया है तो ये सब आपका जो मैंने अभी बताया इसमें चैप्टर ये क्लास एलेवेंथ के लिए था मैथमेटिक्स के लिए थैंक यू क्लास